मैगी तो आपने हजारों बार खाई होगी, पर अगर आप इस तरह एक बार मैगी बना के खा लेंगे ना, तो आप सारी मैगी भूल जाएंगी। इसमें हमने पनीर डाल के बनाया है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। हाय एवरीवन, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू शुक्ला कुकिंग एंड ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। और हाँ जी, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए देखिए क्या बनाना है। इसके लिए मैंने 2 टमाटर, 2 बड़े प्याज और हरी मिर्च 2-3, 3 पैकेट मैगी ली है। और हमने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए, हमारा पानी बॉईल हो रहा है। और अभी हम इसमें मैगी फाड़ के डाल देंगे और उसके में 1 चम्मच जो है तेल डाल दें, जिससे हमारी मैगी चिपकेगी नहीं। और इसको भी थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 मिनट में पकाना है। और उसके बाद में हम जो है पैन रख देंगे गर्म होने के लिए और फिर मैगी में तड़का लगाएंगे। तो उसको हमने ढक के रख दिया है। इधर हमारी जो है कढ़ाई लगभग गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे, आपको 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करना है। और इसमें फिर आपको जीरा का तड़का लगाना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा खुशबू शुक्ला कुकिंग एंड ब्लॉग। अभी हम इसमें मिर्ची ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल नहीं डाला है, हम बिल्कुल नए तरीके से बनाए हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। अभी इसमें हम जो है प्याज को ऐड कर दे रहे हैं। प्याज हमारी हल्की सी पक जाएगी, हमें प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद में फिर अभी हम इसमें जो है, तो लगभग प्याज हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमें इसमें हल्का सा नमक, 1 चम्मच जितना नमक ऐड करना है, जिससे हमारा टमाटर जल्दी कुक हो जाए। और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और जो है फिर अगर आप इस तरह मैगी बना के खाएंगे ना, या किसी को खिलाएंगे, वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। तो हमने इसको ढक के रख दिया है। इधर हमारी मैगी जो है कुक हो चुकी थी, अब इसको हम छिलनी में छान लेंगे और इसको एक बार पानी से धुल देंगे। और हमारा देख लीजिए, इधर हमारा टमाटर भी कुक हो चुका है, थोड़ा सा अभी बाकी है। और इसमें हम अभी जो है सूखे मसाले ऐड कर देंगे। और इसमें हमने लगभग 100 ग्राम पनीर डाला है। और अभी इसमें सूखी धनिया, हल्दी पाउडर और जो हमें मैगी मसाला मिला है ना, वो मैगी मसाला ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ हमें कोई मसाला नहीं ऐड करना है। और फिर इसको थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं, मतलब भूनना है। और गैस की फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो फिर जो है हमारा मसाला जल जाएगा। तो अभी हम जो है, हमें 3 मैगी लिए थे, तो 3 पैकेट उसमें जो हमें मसाला मिलता है ना मैगी को, वही ऐड कर दिए हैं। और हम कोई और मसाला नहीं ऐड किए हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा हार्ड हो जाती है, अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। फिर अभी इसको हम थोड़ा सा भून ले रहे हैं। और भूनने के बाद हम जो है इसको भी थोड़ी देर के लिए अच्छे से जो है पकने देंगे। और इधर हमने जो है पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। आप इसको तल के भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो, हमें तला हुआ ज़्यादा पसंद नहीं था, और तो हमने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है। और अभी इसको मसाले में अच्छे से जो है मिला लेना है, पनीर को भून लेना है। और भूनने के बाद में फिर अच्छे से हमारी अभी पनीर भुना जाएगी, तो हम जो है इसको भी थोड़ा देर जो है ढक के रख देंगे। और फिर जो है इसमें हम मैगी मिक्स करेंगे। और आपको कैसी लगी मैगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो आप देख रहे हो ना, हमारा जो है मैगी, सॉरी पनीर हमने जो डाला था ना, वो भी तेल छोड़ दिया है। तो अभी इसी स्टेज पे हमें इसमें मैगी ऐड करना है, और मैगी ऐड करके हमें इसको अच्छे से मसाला और मैगी को चला देना है। और फिर उसके बाद में अभी हम इसको अच्छे से मिला रहे हैं।
तो जो है आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़े को भी बहुत पसंद आएगी। आप टिफ़िन में भी दे सकते हो बच्चों की, क्योंकि मैगी तो बच्चों की फेवरेट रहती है, तो इसीलिए आप उनके लिए भी बना सकते हो, वो भी बहुत खुश होंगे। और लगभग हमारी मैगी जो है हो चुकी थी, तो अभी हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। उससे क्या है ना, देखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद भी अच्छा आता है। तो अभी इसमें हम थोड़ी सी हनी धनिया डाल दिए, और आप देख रहे हो ना कितना अच्छा सा कलर आया है। तो आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए नई नई कुकिंग की वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, सी यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।